नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव स्विता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ धनिए का पाउडर बनाना, वो भी घर पर आसान तरीके से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और इसी तरीके से एक बार ये मसाला जरूर बना के देखिएगा। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही पसंद आएगा सभी को, और सब्जी में आप इसे डालेंगे तो सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने धनिए के बीज लिए हैं जिनको मैंने पानी में धो लिया था और इसे मैंने धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है। यदि आप धो न पाए तो इसे अच्छी तरह से किचन टॉवल से ज़रूर पोंछ लें। अब ये कढ़ाई में डाल देंगे। अब यहाँ पर आधा कटोरी इसमें जीरा डालेंगे। जीरा डालने से बहुत अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा। अभी इसमें यहाँ पर हम दालचीनी के टुकड़े डालेंगे 4 से 5। अभी देखिए, यहाँ पर ये दो काली इलायची होती हैं जो बड़े वाली, वो ली हैं, वो डाल दी हैं, और 5 से 6 इसमें लाल मिर्च डाल दी सूखी हुई। तो इनको यहाँ पर इसमें काली मिर्च भी लेंगे 10 से 15। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर से डालिएगा आप, तो बहुत ही अच्छा इसका जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सब्ज़ी में बहुत अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अभी इनको अच्छी तरह से यहाँ पर भून लेना। कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें भून चुकी हैं। अभी यहाँ पर गैस को बंद कर देना है, उसके बाद इसे यहाँ पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तभी इसका पाउडर बनाना है। यदि गरम गरम बनाएंगे तो पाउडर ख़राब हो जाएगा, लंबे टाइम तक बिल्कुल नहीं चलेगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा ही मसाला लंबे टाइम तक चल जाता है। तो यहाँ पर मैंने पंखे के नीचे रख दिया था तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, और अभी 10 मिनट के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से ना ठंडा हो चुका है। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पर मिक्सी का लेते हैं जार, उसमें इसको डाल लेंगे। और तो चलिए इसका हम पाउडर बना लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है क्योंकि ये भून चुके हैं ना सारी चीज़ें, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पाउडर बना लिया है। इस तरह से बिल्कुल बारीक से इसको पीस लेना है। अभी इसे हम एक प्लेट में किसी भी बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी जो बाकी बचा उसको भी हम पीस लेंगे। आप इसको महीनों तक रख सकते हैं, किसी भी कांच की बोतल में आप इसको भरकर रख सकते हैं और ये महीनों तक चल जाता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। आप इसको गरम गरम नहीं पीसें, ठंडा होने के बाद ही पीसें। गरम पीसेंगे तो ये लंबे टाइम तक नहीं चलेगा और ख़राब हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये धनिए का पाउडर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। बिल्कुल बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर पर ही आसान तरीके से इसे आप बना सकते हैं और महीनों तक आप इसे यूज कर सकते हैं। एक साथ आप बहुत सारा बना सकते हैं जो महीनों तक चल जाए और उसे आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका इसको बनाने का, और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा स्वाद भी हो जाता है सब्ज़ी का। तो आप एक बार इस तरीके से ये पाउडर जो बनाइएगा बहुत ही पसंद आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे बोतल में रख दिया है कांच की। अब ये जो बाकी बचा है इसे मैं दूसरे बोतल में या किसी भी जार में डाल दूँगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये धनिए का पाउडर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बना लिया है। ये कम से कम ये एक महीने तक तो ज़रूर चलेगा। तो इसे आप भी बना सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं घर पर आप ये ज़रूर से बनाइएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।